प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। महाभारत में द्रौपदी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की चोरी के शक में पीट पीट कर हत्या कर देने की घटना पर अपनी राय रखी है। रूपा गांगुली ने साल 2016 में खुद के साथ हुई एक घटना का जिक्र भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुझे कुछ दिनों से याद आ रहा है 22 मई 2016 डायमंड हार्बर की घटना। 17 से 18 लोग पुलिस को साथ लेकर मुझे गाड़ी से उतारकर रास्ते पे पटक पटक कर मार रहे थे। गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की, दो ब्रेन हेमरेज झेलने पड़े। बस मैं मर नहीं गई, रैली ड्राइवर हूँ, निकल कर आ गई। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी एक बार फिर अपने ग्लैमरस फोटोशूट से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप उनकी अदाएं देखकर उनके दीवाने हो जाएंगे। फोटोशूट में पलक तिवारी बहुत ही ग्लैमरस और बोल्ड नजर आ रही हैं। पलक तिवारी ने कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ फैंस ने तो उन्हें इंडियन काइली जेनर कह दिया है। पिछले दिनों ऐसी अफवाहें सामने आई थी कि पलक तिवारी जल्द ही अपने अभिनय की शुरुआत करेंगी। हालांकि अभिनेत्री ने हमेशा की तरह ऐसी अफवाहों को दरकिनार किया और खुलासा किया कि पलक पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी। अभिनेत्री जया भट्टाचार्य उन अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। वह एक दमदार अभिनेत्री होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी है। अब उन्होंने कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए जो किया है, सच में वह काबिले तारीफ है। जया ने अपने बाल मुड़वा लिए हैं और इसकी वजह भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है। उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि वह अपने बालों को संभाल कर रख रही हैं क्योंकि वह इन्हें कैंसर मरीजों के लिए विग बनाने के लिए दान करेंगी। उनके इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और उनके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। चर्चित टीवी कपल आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी को फैंस एक साथ देखना काफी पसंद करते हैं। पिछले काफी समय से दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस बीच दोनों की ब्रेकअप की खबरें आने लगी। कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने 6 साल के रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब ऋत्विक ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि दोनों अब साथ नहीं है। एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, प्यार जानना बहुत ज़रूरी है बिना किसी शर्त के। यह जानना कि इसे दूसरे को देना कैसे है। प्यार से अलग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार एक योग है, कुछ भी दोबारा सामान्य नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मल होना काम नहीं कर पा रहा था। अगर हम वापस भी जाना चाहें तो शायद हम उससे जुड़ी सीख को भूल चुके हैं। उम्मीद है कि हम ऊपर उठेंगे और करियर में अच्छा काम करेंगे। सुनील ग्रोवर जितने अच्छे कॉमेडियन हैं उतने ही शानदार एक्टर भी हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और लोगों को हंसाने का अंदाज भी जबरदस्त है। लॉकडाउन के कारण वो अपना समय घर पर ही बिता रहे हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुनील गमछा बांधे फोन पर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस को उनका ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में फोन पर उनसे कोई पूछ रहा है कि क्या किया आज। अब सुनील ग्रोवर का जवाब आप खुद ही इस वीडियो में सुन लीजिए। और जी क्या किया आज? सवेरे उठा, फिर एक कप चाय पी, बाथरूम वगैरह गया, फिर एक कप चाय पी, नाश्ते में पोहे खाए, फिर एक कप चाय पी, थोड़ी न्यूज वगैरह देखी, फिर एक कप चाय पी। अब चारों कप धोने हैं बस, धो के फिर एक कप चाय पीऊंगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।